समाप्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा शो दृश्यम का। आज हम एक ऐसी दुनिया का दृश्यम आपके लिए लेकर आए हैं जिसकी अभी तक केवल कल्पना की जाती रही है। शून्य से कई डिग्री नीचे का तापमान, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर, दूर दूर तक फैली हिमालय की चोटियां और इन सबके बीच साधना में लीन एक हिमयोगी। ये नजारा है भारतवर्ष की एक गौरवशाली परंपरा हिमयोग का, जिसका दृश्यम हम पहली बार टीवी पर आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो तैयार हो जाइए एक हिम शिखर के सफर के लिए, जहां आज भी बसती है सिद्ध योगियों की वो पौराणिक दुनिया। हम हिमालय के पर्वतों पर थे और तलाश रहे थे ऋषि मुनियों की दुनिया, साधकों और हठ योगियों की धरती। इस सफर में हमारी मुलाकात हुई एक हठ योगी से। जिनके साथ हम बढ़ चले दूर, बहुत दूर। हिमालय की उस ऊंचाई की तरफ, जहां योग और साधना की वो पौराणिक दुनिया आज भी मौजूद है। लेकिन ये अंत नहीं, आरंभ था। यहां से आगे का सफर शुरू होने वाला था। मंजिल थी हिमालय का एक नया शिखर। और लक्ष्य था हिम योगियों की धरती का वो दृश्यम जो भारतवर्ष ने सुना तो है मगर देखा कभी नहीं। सफर के पहले दृश्य ने हमें चौंका दिया। -5 डिग्री सेल्सियस तापमान, भारी हिमपात के बीच, बगैर किसी गर्म कपड़े, बिना कांपे, हठ योगी साधना में लीन थे। मैं ये देखकर अचंभित हूँ कि ऐसी बर्फबारी में आप बिना कपड़ों के कैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये इतना मुश्किल मुझे आपके लिए नहीं लग रहा है, लेकिन हमारे लिए कपड़ों से लदे होने के बावजूद ये आसान नहीं है। देखिए, योग है, योग में जब कुंभक की सिद्धि हो जाती है, अर्थात श्वास को, मेरे पेट को देखिए, मैंने पेट में श्वास रोक रखा है, तो कुंभक के द्वारा योगाग्नि प्रज्वलित की जाती है। तो योग का एक अभ्यास है हठ योग का, जिसमें सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के मिश्रण के द्वारा सुषुम्न नाड़ी में ध्यान लगाया जाता है। तो ये अग्नि तत्व को प्रज्वलित करता है, जिससे हम ऐसे वातावरण में रह पाते हैं। जंगल की दुनिया खत्म हो रही थी और हिमालय का बर्फीला दरबार सामने था।
महायोगी सत्येंद्रनाथ हमेशा की तरह तेज रफ्तार से आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन घास पर जमी बर्फ ने हमारी रफ्तार को थाम लिया था। कदम जमीन पर नहीं टिक पा रहे थे। समझ नहीं आ रहा है आगे कैसे बढ़े। थोड़ी सी गलती और हाथ फिसल कर कहाँ तक नीचे आ जाते हैं पता नहीं चल रहा है। आवाज़ रुक रही है, सब कुछ थमता जा रहा है। कोशिश जारी रखनी होगी। जाना ऊपर है लेकिन एक कदम चलते हैं और फिसल कर आप कितने कदम नीचे आ जाते हैं ये नहीं मालूम है। योगी ऊपर पहुंच गए, मैं उनसे कितने मिनट या कितने घंटे दूर हो गया हूँ मुझे नहीं मालूम। उधर हठ योगी नजरों से ओझल हो चुके थे और इधर बर्फीली चट्टानों पर हमारा संघर्ष जारी था। यहाँ से फिसलना यानी मौत की खाई में समा जाना है। नीचे गहरी खाई है, अगर ये पेड़ की टहनियाँ नहीं होती तो शायद बर्फ की वजह से जो फिसलन यहाँ पर पैदा हुई है उसकी वजह से हम इस खाई में समा जाते। बस इतनी सी जिद थी कि गिरेंगे तो फिर उठ खड़े होंगे। कदम लड़खड़ाएंगे तो संभल भी जाएंगे। लेकिन हर कीमत पर खोज कर लाएंगे हम हिमालय के शिखर पर हठ योग का दृश्य। कुछ देर बाद हम 16,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर हिमालय की एक ऐसी दुनिया में थे जहां हर तरफ बर्फ की चादर फैली थी। हठ योगी बहुत आगे निकल चुके थे, अब उन्हें खोजने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पैरों के ये निशान हमें उन तक ले जाने वाले थे। आगे बर्फ का शिवलिंग मिला, मतलब हठ योगी यही कहीं आसपास ही थे।
ये आप बर्फ के भीतर कैसे, बर्फबारी की वजह से दब गए थे? यहाँ छोटी सी गुफा है, उसके भीतर साधना कर रहा था। जब हिमपात होता है तो थोड़ा सा हिमपात है तो भीतर जो गर्भ गुफा है वो उससे ढक गई है। जब मैं बाहर आया तो ये हिम से ऊपर से भरा हुआ है। ये सब कुछ किसी अचंभे जैसा था। बर्फीले पर्वतों के बीच शून्य से कई डिग्री नीचे का तापमान और सिर्फ योग की अलग अलग मुद्राएं। ये होता कैसे है? हमारी हड्डियां अभी भी जम गई हैं, गल रही हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस बर्फ से? देखिए, हमारा शरीर है, ये त्वचा है, जब ये ठंड के संपर्क में आएगी इसको ठंडी तो मिलेगी, लगेगी ही, लेकिन जब हम त्वचा को मार्जन करते हैं, जिस प्रकार से कोई मालिश करता है, इस प्रकार से अपने शरीर का मार्जन करना पड़ता है कुछ कुछ देर के पश्चात। और फिर प्राणायाम, ऐसे देखिए, मुझे बड़ी नसें दिखने लग गई हैं सांसों के इतने देर रुकने के बाद। तो प्रणाली है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें योग के जो विभिन्न चरण होते हैं, प्राण को लेना, प्राण को स्तंभित करना और अपनी शिराओं में रक्त को प्रवाहित करना। हम हिमालय में योगियों की धरती तलाशने निकले थे। कई दिन लगेंगे ये तो हम जानते थे, लेकिन ये सफर आखिर कहीं तो खत्म होगा। हिमालय में हठ योगियों की कोई तो एक मंजिल होती होगी। मुझे लग रहा है हम टॉप पर पहुंच गए स्वामी जी। क्या यही वो मंजिल है जिसकी तलाश करते हम यहाँ हैं? ये तो आपका पहला पड़ाव भर है। अब आप देखिए, जहाँ से हम आए अभी हमें जिस रास्ते पे जाना है वो ये है। यहाँ से ये आपको पहाड़ी दिख रही है, ये ऐसे करते आराम से, ये देखिए, ये पहाड़ी करते हुए वो आपको वो पीछे एक पहाड़ दिख रहा है बादलों के पास, वो सबसे बड़ा जी, उससे पीछे नीचे उतरते हुए हमें सबसे पार जो आपको टीला दिखाई दे रहा है, कम से कम वहां तक हमें पहुंचना है। मुझे उससे भी आगे जाना है जहां वो आपको बादल दिख रहे हैं उसके नीचे। हठ योगी की मंजिल अभी दूर थी, नजर भी नहीं आ रही थी। पता नहीं कितने दिन लगेंगे, लेकिन मंजिल का पता पाकर हमें थोड़ी तसल्ली जरूर हुई। अभी हमारी मंजिल कम से कम अब नजर आने लगी है। वो जो सबसे बड़ा पहाड़ आपको नजर आ रहा है, जिस पर बादल अपना दावा इस वक्त ठोकते नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बादलों का ही बस वहाँ पर बसेरा है। लेकिन जो चीज आपको यहाँ से नजर नहीं आ रही है वो वहाँ पहुँचने के बाद नजर आएगी, और वही हमारा दृश्यम है। दरअसल वो स्थान है जहाँ पर तमाम हठ योगी सैकड़ों नहीं हजारों साल से तप करते रहे हैं। मंजिल तक पहुंचने में काफी मेहनत करनी थी। हठ योगी तो हर हालात से बेअसर थे, लेकिन हमारी हालत खराब थी। कितनी भी कोशिश करते योगी से पीछे ही रहते। देखिए, पूरी सफेद बर्फ में सिर्फ पैरों के निशान हैं। यही हमारे लिए GPS है, यही हमारे लिए गूगल है, और
ज़्यादा लेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि समय के साथ बर्फ पिघलेगी तो ये निशान भी फीके पड़ सकते हैं। हठ योगी तो भूख प्यास से परे थे, लेकिन हम ठहरे साधारण इंसान। थकान के साथ भूख प्यास ने हालत खराब कर दी थी। लेकिन यहां खाना तो दूर, पीने के लिए पानी की एक बूंद तक नहीं थी। दूर से ऐसा लगा कि ये पानी है। दरअसल ये पानी का एक कुंड तो था, लेकिन ठंड की वजह से ये पूरी तरह जम चुका है। हमें उम्मीद थी कि हम ये पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हमें अभी और इंतज़ार करना पड़ सकता है। सोचिए कि आसपास इतनी बर्फ है, फिर भी हम प्यासे हैं। भूख तो बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन प्यास से सूखा गला हिम्मत तोड़ देता है। अभी एक लंबा फासला तय करना था, फिर हमें वो करना पड़ा जो हमने सोचा भी नहीं था। अब पानी नहीं पिएंगे तो शायद आगे हम नहीं चल पाएंगे। यही वजह है कि अब ये जो बर्फ है, यही मुझे लग रहा है कि आखिरी हमारे पास चारा होगा। मुझे नहीं पता कि ये खाने शरीर के लिए ठीक होगा या नुकसानदायक होगा, लेकिन हाँ इतना पता है कि कम से कम गले को एक ठंडक मिलेगी और पानी की कमी जो महसूस हो रही थी शरीर को, वो शायद इससे पूरी हो जाए। हमारे लिए भूख प्यास ही सबसे बड़ी चुनौती थी और योगी के लिए शिव साधना के संसाधन। लेकिन जहां चाह थी वहां राह भी निकली और देखते ही देखते हठ योगी ने बर्फ के बीच ही एक विशालकाय शिवलिंग तैयार कर लिया। और फिर शुरू हुई हिमालय की गोद में बर्फीले पर्वतों के बीच एक योगी की अद्भुत शिव साधना। हम जिस जगह पर हैं, यहाँ पर मंदिर तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन हाँ यहाँ एक शिवलिंग वो भी बर्फ का बना हुआ मुझे दिख रहा है। ईशपुत्र शिवलिंग लग रहा है आपने अभी बनाया है। देखिए क्योंकि आपको तो रास्ते में आने में समय लगेगा जी, और उस समय का सदुपयोग में महादेव की साथ आराधना करके करूँगा। आप इन हाथों से इन बर्फ को कैसे समेट रहे हैं कि आपने 3-3.5 फीट या 4 फीट का ये शिवलिंग खड़ा कर दिया? बहुत सरल होता है, आप बस कहीं से भी थोड़ा सा बर्फ इस प्रकार से पहले ले लें, इसको आप इकट्ठा कर लें। ठीक, और आपने किया। अब देखिए ये ढीला बर्फ है, मैंने यहाँ रखा और इसको रोल करके जाएंगे और ये अपने आप बड़ा होता जाएगा। इसको घुमाते जाएंगे जी, तो आप जितने इसको घुमाते जाएंगे ये अपने आप। हमारी और हठ योगी की दुनिया अलग थी। उनकी साधना में हर मुश्किल का जवाब था, हमारे लिए ये सब कुछ टीवी पर कैद करना किसी तपस्या से कम नहीं था।
इतनी गहराई के बीच पानी में चलना भी मुश्किल होता है, लेकिन हम तो बर्फ में चल रहे थे। घुटनों तक जमी बर्फ पर आगे का रास्ता बनाना किसी जंग से कम नहीं था। अब यहाँ ऑक्सीजन कम हो गई है, आप समझ सकते हैं 16,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई है। हमारे कदम रुकते तो हठ योगी की रफ्तार भी थम जाती, लेकिन धीरे धीरे ही सही हम बढ़ते जा रहे थे। क्योंकि अब तक की सबसे अद्भुत कहानी हमारे इंतजार में थी। आपने बेसिक ट्रेनिंग भले ली हो, लेकिन आपके कमर तक या घुटनों तक जब बर्फ हो तब आपका पांव फंस जाता है इन बर्फ में और घुटना मुड़ने का डर रहता है। ऐसा अगर हुआ तो शायद मैं जीवन भर यहाँ से निकल ना पाऊँ, क्योंकि यहाँ से चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप देख रहे हैं कितनी बर्फ हो गई। योगी जी रफ्तार के साथ नंगे पांव आगे बढ़ गए, लेकिन हमारा सारी गियर्स के साथ भी आगे बढ़ना इतना आसान नहीं लग रहा है। हिमालय में योगियों का अंतिम पड़ाव, जहां योग और साधना की पौराणिक दुनिया मौजूद है, वो अभी कोसों दूर थी। जो बर्फीली पगडंडी वहां तक जा रही थी वो हर कदम पर साहस की परीक्षा भी ले रही थी। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं झरने के ऊपर खड़ा हूं तो शायद आप यकीन ना माने, क्योंकि आप पूछेंगे पानी कहां है। ये देखें, ये वो पानी है जो झरने से कल तक बह रहा होगा या कब बह रहा था मुझे नहीं मालूम, और ये बहुत भारी तो है ही, संभालना बहुत मुश्किल है इसका। इससे अगर आप घायल हो, ग्लव्स में ये पकड़ा नहीं जा रहा, अगर आप इससे घायल होते हैं तो आपकी जान भी जा सकती है। देख रहे हैं ये कितना नुकीला है, ऐसा लगता है खूब सारे झूमर यहाँ लटका दिए गए। हम इस अद्भुत नजारे को देख ही रहे थे कि दूसरा अद्भुत नजारा सामने था। बर्फ से जमे हुए उस झरने के बीच योगी ध्यान में लीन हो गए। सोचा जब तक योगी ध्यान में है हम आगे की चढ़ाई शुरू कर दें। तस्वीरें कुछ ऐसी थीं जैसे वक्त थम गया हो, पानी की धार तापमान से टकराकर बर्फ बन चुकी थी।
एक कदम में जिंदगी और मौत दोनों लिखी जा सकती है। नीचे गहरी खाई है, देख रहे हैं, देख रहे हैं, ये पहाड़ पूरी तरीके से भुरभुरा है और मैं जहाँ हूँ यहाँ से पानी भी बहते बहते जम गया है, यानी आप समझ सकते हैं कि खतरा कितना बड़ा है। यहाँ जिंदगी और मौत सिर्फ एक कदम पर डिसाइड हो सकती है। यहाँ से थोड़ा भी लड़खड़ा कर मैं नीचे जाता हूँ तो गहरी खाई है। आह, समझ गया। हम हठ योग की दुनिया के सफर में थे और आगे बढ़ते रहने का हठ ही सफर की सबसे बड़ी शर्त थी। और आखिरकार हम इस पहाड़ को लांघने में कामयाब रहे। एक सुकून सा मिला कि हम पहली बार हठ योगी से आगे निकले थे। लेकिन नजर मिली तो हमारी गलतफहमी दूर हो गई। हम कितनी भी कोशिश करते योगी से पीछे ही रहते। बर्फ उम्मीद से ज्यादा थी। हमने सोचा पीछे भी रहे तो क्या हुआ, पैरों के निशान से उन्हें खोज लेंगे, वैसे भी हमारे सिवा इस इलाके में कौन है। ये हमारी दूसरी गलतफहमी थी। पर स्वामी जी, ये किसके पैर के निशान है? देखिए, यहाँ वनों में जो है छोटे छोटे जंगली हिरन होते हैं और फिर लोमड़ियाँ सर्दियों के दिनों में घूम रही होती हैं। तो आप जब आगे जाएंगे तो इस तरह के छोटे छोटे जानवरों के चिन्ह आपको बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि आगे जाएंगे तो आपको भालू के पाँव के निशान, बाघ के पाँव के निशान वो मिल जाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे आपके छोटे छोटे जो जानवर हैं उनके निशान मिल जाएंगे। क्या बाघ भी है? हाँ, इस क्षेत्र में जो है खास करके जो आपने सुना होगा स्नो लेपर्ड, जो बर्फ में ही रहते हैं, बहुत शर्मिंदा वो शर्मिला स्वभाव का जीव होता है। हम हिमालय के किस इलाके में थे, कितनी ऊंचाई पर थे, कुछ नहीं पता था। कुछ पता था तो बस इतना कि मंजिल हिमालय की वो चोटियां हैं जहां ऋषि मुनियों और साधकों की अद्भुत तस्वीरें मिलती हैं, जिस दुनिया को आज तक दुनिया ने नहीं देखा है। हमारे लिए मंजिल सब कुछ थी और योगी के लिए सफर भी एक साधना थी। जहां मौका मिला योग अभ्यास शुरू हो जाता। लाख कोशिश के बावजूद हम रफ्तार में योगी का साथ नहीं दे पा रहे थे। जिस सफर में हमें अब तक 3 दिन लग चुके थे, वो सफर सिद्ध योगियों के लिए चंद घंटों का होता है। हमें सब कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड करने की बेकरारी थी और योगी को मंजिल पर पहुंचने की जल्दी। पहली बार सोची कि जब शरद ऋतु आती है और पहला हिमपात होता है, हम इसको वैसे मानते हैं जैसे मान लीजिए हिमालय श्रृंगार कर रहा है, और इस स्थिति में हम जो निकट का सबसे ऊंचा पर्वत होता है वहां जाकर हम समय रहते साधना कर लेते हैं, अपना हठ योग का अभ्यास करते हैं, अपनी विविध जो प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं उसका अभ्यास करते हैं। लेकिन अगर आप इतने धीमे धीमे चलते रहेंगे
तो मुझसे वो छूट जाएगा। हमें आगे कितने दूर जाना है? अभी तो हमें बहुत दूर जाना है, बहुत अधिक दूर। आप सोचिए कि यदि मुझे उस पर्वत पर पहुंचना है शिखर पे, तो मेरे लिए 2 दिन लगेंगे, और यदि आपका आपका आपकी गति देखूं तो इस तरह से 4 से 6 दिन लग जाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत एक तरह से एक बहुत परेशानी वाला कार्य हो जाएगा। लगता है कि मैं गलत चल गया, यहाँ से ऊपर जाना संभव नहीं। योगी की चेतावनी मिलने के बाद हमने पूरा जोर लगाया, थोड़ी रफ्तार भी बढ़ाई, लेकिन बर्फीले दलदल को हमारी रफ्तार मंजूर नहीं थी। भूख और थकान से हालत खराब थी, लेकिन हमने हठ योगी का साथ नहीं छोड़ा। बर्फ के पहाड़ पर भी गला सूखता जा रहा था, पानी नहीं मिलता तो बर्फ खाकर काम चला लेते। देखते देखते शाम ढलने लगी और सुरक्षित ठिकाना देखकर हमने सफर को आज के लिए विराम दे दिया। हमने बर्फीले पहाड़ के बीच ही अपना आशियाना सजा लिया और हठ योगी रात की साधना के लिए किसी गुफा की तलाश में निकल गए, इस वादे के साथ कि सुबह की पहली रोशनी होते ही वो हमें टेंट के बाहर मिलेंगे और आगे का निर्णायक सफर शुरू होगा। सुबह हो गई है, अब लग रहा है कि रात को फिर से बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत गहराई तक बर्फ है। हठ योगी कहीं नहीं दिखे, सोचा किसी गुफा में होंगे, किसी साधना में लीन होंगे। योगी जी कहाँ हैं? योगी जी, इस पुत्र, योगी जी किधर गए? अजय, पांव के निशान उनके दिख रहे हैं, लेकिन वो नजर नहीं आ रहे। योगी जी, ईश पुत्र, हमारी छटपटाहट बढ़ती जा रही थी। ईश पुत्र, योगी जी, दिल बेचैन हो रहा था क्योंकि वादे के मुताबिक हठ योगी हमारे पास नहीं थे। योगी जी के पांव के निशान यहां दिख रहे हैं, लेकिन ये ऊपर हिमालय की ओर ऊंची चोटियों की ओर जाते दिख रहे हैं, वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। शायद ऊपर जाना और कठिन होगा और चुनौतियों से भरा होगा, यही वजह है कि ईश पुत्र हमें ऊपर लेकर जाना सही नहीं समझ रहे थे और उन्होंने हमें यही छोड़ना मुनासिब समझा है। हमने बहुत खोजा लेकिन हठ योगी नहीं मिले, पांव के निशान आगे बर्फ में जाकर गायब हो गए थे। अगर अब पीछा करते तो भटकने का डर था। हम कोशिश करते, थोड़ा और आगे बढ़ते तो शायद योगी को खोज सकते थे,
लेकिन शायद ये मुनासिब नहीं होता। ख्याल आया कि शायद योगी हमें जानबूझकर यहां छोड़ गए थे, शायद वो आगे के सफर में हमें साथ ले जाना नहीं चाहते थे। अपनी कहानी के लालच में एक योगी की साधना में खलल डालना हमें ठीक नहीं लगा, इसलिए कुछ घंटों तक इंतजार के बाद हमने हठ योगी का इंतजार करना बंद कर दिया और वापस लौटना बेहतर समझा। ये वो हिमालय है जहाँ लाखों ऋषियों ने, लाखों सिद्ध पुरुषों ने कड़ी तपस्या की, और आपने देखा कि चाहे जंगल हो, चाहे पानी हो, चाहे बर्फ हो, किन कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ता है तब जाकर कोई सिद्ध बनता है। और ये दृश्यम हम आपके लिए लेकर आए थे। हम यहाँ तक आए यही हमारे दृश्यम के लिए काफी था। हमने भारत की जिस गौरवशाली परंपरा को दिखाने का वादा किया था उसे हम पूरा कर चुके थे। हमने देखा हिमालय के जंगलों से लेकर बर्फीले पर्वतों तक तपस्या, साधना, योग, जो भारतवर्ष की सदियों पुरानी परंपरा है उसे ऐसे तमाम हठ योगी आज भी हिमालय के सबसे कठिन इलाके में कैसे जिंदा रखते हैं। तीन दिन का सफर, खूबसूरत सफर हम कभी नहीं भूल पाएंगे। ना वो जंगल, ना वो साधना, ना वो योग, ना वो योगी। खैर, मुसाफिर हम भी हैं, मुसाफिर वो भी हैं। किसी न किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।